मित्राणि नमस्कारः संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। आज के अपने इस अंक में हम संस्कृत भाषा में संख्या कहना सीखेंगे। यह अत्यंत सरल है, पहले आप ध्यान से सुनिए और फिर उसके बाद इसका उच्चारण करिए। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। एकविंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशतिः, पञ्चविंशतिः, पञ्चविंशतिः, षड्विंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। मित्रों, आशा है इन संख्याओं को आप सभी ने भी बोला है। आपसे अनुरोध है, आपको जब भी समय मिले इनका आप अभ्यास करें। इन्हें लिखकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं और जब यह आप बढ़िया से बोलना सीख जाएं, तो इसे एक खेल के रूप में भी अपने मित्रों के साथ अवश्य खेल सकते हैं। देखिए एक सांस में कौन कितने जल्दी लेकिन शुद्धता से संस्कृत में संख्या बोल पा रहे हैं। यूं ही खेल खेल में हमारे साथ सीखते रहिए संस्कृत। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अनुमति। पुनः मिला महा, नमो नमः। ज्ञान चाहिए।